आज हम गाजर मूली हरी मिर्च का बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट अचार बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, रितुज किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं अचार, वो भी गाजर मूली और हरी मिर्च का। हाजमे के लिए ये अचार बहुत अच्छा लगता है और ये इंस्टेंट अचार है, तो आप इसे तुरंत खा सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा ना तो टाइम लगता है और आप बनाते ही इसे खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 2 मूली ली है, 3 गाजर ली है और हरी मिर्च ली है 10। इनको मैं यहाँ साफ करके अच्छे से धोकर रख लेती हूँ। इसके बाद में इन्हें हम पीसों में काट लेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और मैं इसमें इन्हें इस तरह से लंबे लंबे पीसों में काट लेती हूँ ताकि जल्दी से गल भी जाएं। यहाँ हमें इस तरह से इन्हें काटना है। आप गोल भी काट सकते हैं। इस तरह से एक एक करके मैं सारी गाजरें काट लेती हूँ। अब हम यहाँ पर मूली को काटेंगे। मूली को भी मैंने इस तरह से लंबे ही पीसों में काटा है। सारी मूलियां हम इस तरह से काट लेंगे। आप गाजर और मूली की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। यह अचार 2 वीक तक आराम से चल जाता है और आप इसे बनने के तुरंत बाद ही खा सकते हैं। अब हम यहाँ पर हरी मिर्च लेंगे और उन्हें भी इस तरह से लंबे पीसों में काट लेंगे। इस तरह से ही हमें इसे हरी मिर्च को काटना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब करना फ्री में होता है, बस हमारा मोटिवेशन ही बढ़ता है ताकि हम इस तरह के और भी अच्छे वीडियो ला सकें। सारी हरी मिर्च गाजर मूली को मैंने इस तरह से काट लिया है टुकड़ों में। ज़्यादा छोटे टुकड़े हमें नहीं करने हैं, इस तरह से बड़े टुकड़ों में ही इन्हें काटना है। अब मैं यहाँ पर नमक ऐड कर देती हूँ, साथ में हल्दी पाउडर हमने यहाँ ऐड कर दिया है। अब इन्हें चम्मच से अच्छे से मिला लेते हैं। गाजर और मूली हरी मिर्च पर ये नमक हल्दी एकदम से लग जाना चाहिए, एक तरह से इनकी कोटिंग हो जानी चाहिए। अब हम इन्हें रेस्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए इस तरह से छोड़ देते हैं। 1 घंटे के बाद में गाजर और मूली ने अपना पानी छोड़ दिया है और इस तरह से हम इन्हें पानी से अलग कर लेंगे। मैंने यहाँ एक छलनी ली है और छलनी में सबको ले लिया है और पानी नीचे आ गया है। इसमें अब जरा भी पानी नहीं बचा है। इस तरह से 5 से 7 मिनट के लिए हम इस तरह छोड़ देंगे। जब तक हम अपने मसाले रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ हम पैन में जीरा लेते हैं, साथ में दाना मेथी ली है मैंने, आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, और काली मिर्च साबुत ली है। लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। अब हम यहाँ पर अजवाइन लेंगे, हाई फ्लेम पर हमें ये मसाले नहीं भूनने हैं, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। अब मैं यहाँ सौंफ लेती हूँ।
और एक चम्मच की सहायता से धीरे धीरे हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। मसाले जले नहीं चाहिए, नहीं तो इनका स्वाद खराब हो जाएगा। इस तरह से हमें लो फ्लेम पर ही इन्हें ड्राई रोस्ट करने हैं, इससे मसालों की जो नमी होगी वो चली जाएगी और मसाले ड्राई हो जाएंगे। ये देखिए, अब मैं इन्हें ठंडा होने के बाद में पीस लेती हूँ। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें तेल ऐड कर देंगे। अचार सरसों का तेल में ही अच्छा बनता है, इसलिए मैंने यहाँ सरसों का तेल ही लिया है। अब मैं इसमें हींग ऐड कर देती हूँ। हींग के साथ साथ हम यहाँ कलौंजी ऐड करेंगे और ये लो फ्लेम पर ही हमें काम करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब हम यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। साथ में हमने जो मूली और गाजर रखे थे उनको यहाँ हम ऐड कर देंगे। पानी इनका निकल चुका है पूरा, इस तरह से चम्मच की सहायता से इन्हें अच्छे से चला लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, यह अचार बहुत अच्छा लगता है और आप तुरंत खा सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी इसे नहीं लगता है। अब हम लो फ्लेम पर ही इस तरह से इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। साथ में कुछ मसाले हैं जैसे कि लाल मिर्च पाउडर हमने यहाँ ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे। और इसके बाद में अब हमने जो मसाले पीस के रखे थे वो मसाले हम यहाँ ऐड कर देंगे। और चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसाले पूरी तरह मिल जाने चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा अचार लग रहा है, आप इसे तुरंत खा सकते हैं। हमें इसे अच्छे से मिला देना है। अचार एकदम रेडी है। हम इसे ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब किसी बर्तन में, कांच के बर्तन में भरकर रख लेंगे। तुरंत गरम गरम अचार को हम बर्तन में ना रखें, नहीं तो ये खराब हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। यह अचार बहुत ही टेस्टी है, तो एक बार आप इसे बनाकर देखें और मैं साथ में दूसरे तरह के अचार आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगी। आप उन्हें भी प्लीज़ देखें। सर्दियों के मौसम में अचार बहुत डाले जाते हैं, इसमें गाजर मूली का अचार आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है, इससे पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं रहती है। और आप जब भी गाजर मूली का अचार खाएं तो उसके 4 घंटे बाद तक दूध ना पिए, दूध पीने से आपको सफ़ेद दाग आ सकते हैं। तो आप इसे दिन के खाने में ही शामिल करें। यह अचार बहुत ही टेस्टी लगता है और तुरंत खा सकते हैं आप। आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप मेरे कहने पर प्लीज़ एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे लगेगा।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।